खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू पाली की राम राम। इस टाइम पे कलायत हल्का के गिठाणा गांव में भाई, और यहां पे आपने एक और वीडियो पहले देखी है, योगेश आया था जीत गजन, और आज फिर एक दूसरा मौका है जो बेटी पूजा ने दिया है अपना ते, तो किस तरह से जीत का ही है, कड़े जीत का ही है, वो सारी की सारी बात करांगे। किस तरह से उसका थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है या फिर इस मुकाम तक पहुंचने खातर के उसकी तकलीफों का सामना करना पड़ा है या फिर किस किस का सहयोग रहा है, वो सारी की सारी पूरा गांव राम ने एक बार दिखा भाई, सारे के सारे हैं। और ठीक है बेटे? हाँ सर जी ठीक है। कहाँ क्या कुछ अचीवमेंट आपने ली है उसका बारे में एक बार जरूर बताओ। मैं कबड्डी खेलती हूँ और चेन्नई से हमारा खेलो इंडिया का गोल्ड मेडल आया है, जिसमें हम गुरुकुल के 5 लड़कियां थी और बाकी हरियाणा से थी। अच्छा। हाँ। तो मैं मोर माजरा में प्रैक्टिस करती हूँ। मोर माजरा में? हाँ। तो कितने दिन आता वहाँ पे प्रैक्टिस लग रहे हो? मैं 2000 साल से करती हूँ। अच्छा, तो अपने आसपास की कितनी लड़कियाँ थी वहाँ पर? हाँ। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ वैसे थी अपने आसपास की। हाँ, किठाणा के आसपास की थी? किठाणा के आसपास की भी है, खेलती है वहाँ पर। अच्छा, से? हाँ। तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ कौन करवावे है, महिला कोच है या पुरुष है? महिला कोच भी, नर्सरी भी है और खेलो इंडिया सेंटर भी है, सब कुछ है वहाँ पर। तो आपका जो प्रतिद्वंदी था वो कौन था जो फाइनल में? तमिलनाडु था। तमिलनाडु? हाँ। तो कितना कितना अंतराल था आपने वो करे? हमारा 33 और 41 का स्कोर था। 33 41 का स्कोर। तो जब आप गांव में तक गए, गांव में तक जाकर ना दूर प्रैक्टिस करना, तो अड़ोस पड़ोस वाले ने इस बात का भी सवाल जरूर उठाया होगा, छोरी ने क्यों गांव तक बाहर भेजो हो, उरे रह जावेगी, उरे पढ़ लेगी, उड़ा जाएगा कि नारी ये बनेगी। हाँ, सभी ने गया था, कोई खुश नहीं था, बस मेरे दादा का सहयोग था और ये रहे मेरे दादा। अच्छा। हाँ। तो भैया शुरू तो हुआ है दादा पोता और दादा पोती, इनका लाड न्यारा हुआ है, क्योंकि अपनी बात ने बालक चाहे तो दादा तक कह सके या माँ तक कह सके हम, तो गांव वाले का कितना के कुछ सपोर्ट रहा है? गांव वाले का भी रहा सपोर्ट, जो मेरे भाई है वो खिलाते थे हमें, उन्हीं का सपोर्ट रहा है, और हमारे अलग और भी कोच थे। राम राम जी आइयो। नाम क्या है अपना? चंद्रमान सुंडा का जी। अच्छा, सुंडा। यानी कर बात आई है चंद्रमान तो ये बस वो कहना पड़ा, बाकी गांव में सुंडा ही है। तो शुरू में किस तरह का है भाई, छोरी ने कहा कि दादा खेलना है, किस तरह का खेल? यार मैं बेट दादा था जी। अच्छा। इनकी मंडी में ले गया था मैं, ले जन पोते ने रेती। अच्छा। और इनकी रेस रास लवांदा इंदे रे मैं मेरे ते पर बारे हो जगह दे, फिर मेरी गोंसा दे दिंदा मोड़ खंभे में रखा हो। अच्छा। यार रखा दे उठा के लंदा, फिर और एक आंदा या ठहक जाती, फिर मैं उड़े भी लाता जी। अच्छा। मन ने इस रेस्ट नहीं होने दिया। अच्छा। कड़ियाँ ट्रायल हुई, कड़ियाँ गेम होए, बैरी की लड़की जाना मैंने ज्यादा, दादा वो जान लिया मर में खेल जाते, तो मैंने नहीं हटा जी रहा, 3 दिन मैंने तो शो बना के लिया। तो ये खुश है? पूरा खुश है। अच्छा। हाँ कुछ तो जिम्मेदार बहुत पिटी है हमने घनी पिटी है जी कसम। देखो दादा का इसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, इसकी जिंदगी बनाने खातिर ही इसने यो कदम उठाया होगा, जे मारिया भी होगा नहीं तो न्यू देख लियो कि भाई इसमें इनका के निजी स्वार्थ रहा होगा, इन तीनों था कि भाई मेरी बेटी मेरी पोती आगे नाम ऊंचा करे, आगे के कुछ बेटे मन में आ रही है भाई आगे के करोगे आगे? फिर आगे भी सर जी खेलते रहेंगे जब लोग नौकरी नहीं लगते। अच्छा। हां नौकरी का टारगेट है। अच्छा। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार सर। यह बात आपने सुनी है कि मोर माजरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो इसका दादा ने तो यह मोर माजरा खिलाए दी, गांव में और भी छोरी होंगी जो चाहती होंगी भाई यार गांव में भी खेल लिया मामा, अक्सर ये मोर माजरा खेल का आएंगी। ना ना बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पे हमारे ग्राउंड में काफी लड़कियां खेलती हैं, और रहेगी इसके दादे की बात, इसका दादा हमारा लोग कम से कम भी 8-10 साल पहले उड़ाया, अमरजीत खालसा होटल है ना वहाँ पे रहता था, उसी टाइम से सुनते आ रहे हम इसके दादे के मुँह से भाई हम बच्ची को भाई खिलाना है या उसको आगे लेके जाना है, और ये बहुत मेहनती है, जैसे बोला हम भी इसको सुंडा के नाम से ही जानते हैं, और वहाँ पे हमारे साथ ही रहता था ये। जखोली ग्राउंड दशका वहाँ भी ले जाऊँ करदा मैं जी। अच्छा। हाँ जखोली किसान बहुत दंडाई मैंने रेड़ा सोंगड़ी गलाना है मैं पैदल यात्री थे दनू दादा पोता बस। अच्छा। हाँ रेड़ा जाना मैं बगले 2-3 साल ही मेरे पास खेली है जी वहाँ जखोली ग्राउंड पर, फिर इसका एडमिशन भी मैं कराया गया था वहाँ गुरुकुल में, तो वहाँ इसने बढ़िया पोजीशन ले, इसका गांव का नाम रोशन करा, बहुत बढ़िया। क्या बात है किशन। हाँ
नमस्कार जी। तने भी फोन, मैंने चलो तेरा फोन कौन उठाया, लेकिन फोन ना पता नहीं लड़ दिया मैं। क्या करा जी, आज मौका ही साधा जी, बड़ी खुशी की बात है। हम तो हमारा पास में गांव है रेड, हमारा गुआंड है जी, वहाँ बच्चों की जो अचीवमेंट देखते थे, उनका गेम देखते थे, मन में भी थोड़ा सोचता था कि हमारे गाँव में भी कुछ ऐसा माहौल, हमारी भी बेटी बेटा कोई मेडल लेके आवे। और बड़ी खुशी की बात, आज इस बेटी ने हमारा वो सपना पूरा कराया है। हमारी तो एक ही उम्मीद और है जी, गुजारिश भी है प्रशासन से भी, सरपंच महोदय से भी है, वह हमारी गुड़िया ने अपने दम पर बाहर कहीं कहीं किसी किसी ग्राउंड में खेल गया, इस मुकाम तक पहुंची है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव में नर्सरी हो, एक कोच की व्यवस्था हो, ताकि और बच्चे भी इसमें प्रोत्साहित हो गए, मेडल ले आवें। और गुड़िया से आस करते हैं कि हरियाणा के लिए खेली है, इंडिया के लिए खेल गए, बाहर से भी मेडल ले आवे जी, ये उम्मीद। देखो भाई, रेड़ा की अगर बात करा तो प्राउड फील हो भाई, मैं उस गांव से बिलोंग करूँ जड़ा बहुत पुराना इतिहास रहा है कबड्डी का, और कबड्डी मतलब रेड़ा या चीज उसका गला लगी हुई है। इब किठाना गांव में भी अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जावे, जे सरकार ध्यान देवे, उरे एक बढ़िया स्टेडियम हो, उसमें सारी सारी व्यवस्थाएं करवाई जावे, कोच का उसका मैं प्रावधान मतलब उसका मैं चालू होवे, तो सारी की सारी चीजें उसका, और बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी मोस्टली जितने भी रेड़ा में है स्पोर्ट्स कोटा तक क्यों लागण पाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट उड़े रही हैं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी उड़े लिगड़े हैं। आप देखो ये कबड्डी में है नहीं तो कितनी आगे तक गए हैं, तो गांव में क्या स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है जी, ज़रूरत है, पक्की ज़रूरत है, ज़रूरत है नहीं, क्यों बच्चे आगे बढ़े हैं, गांव आगे बढ़े हैं। तो फिर गांव में एक सुई का नाकाम होगा, लिगड़ कर एक स्टेडियम को नहीं ले कर आ सकता? देखो जी, ये तो सारा गाँव का विवाद, तो गाँव में राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो जरूरी है, पक्की है। मास्टर जी, राम राम। राम राम। के कुछ कहोगे पहले दो शब्द इस छोरी खातिर? सबसे पहले तो यहाँ आपका स्वागत है खास हरियाणा चैनल को सुनो। ऐसा दूसरी बार हुआ है, इससे पहले योगेश का जो एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण था, आज हमारी बेटी पूजा है जो इसने खेलो इंडिया में जो हरियाणा का नाम किया है, फिर आज गाँव का नाम है, गाँव के लिए बड़ा गर्व का विषय है। अगर ऐसे बच्चे बार बार किसी गांव से निकलते हैं, वहाँ उत्साह होता है और खेलों की प्रति जागरूकता आती है, और हमें आज पूरा विश्वास है जैसा इन दो बच्चों ने किया है, इस इनके माध्यम से जो अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की है, इनको देखते हुए गांव के सरपंच साहब से ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सहयोग उसके आर्थिक है, चाहे कोई कोच के माध्यम से या किसी बच्चे को समय देना है, हम उनमें पूरा सहयोग करेंगे। और जैसे अपना गांव रहेड़ा है, उसके समकक्ष यहाँ भी बच्चे ऐसे निकले ताकि एक समन्वय बना रहे। अगर खेलों में बच्चे आगे निकलते हैं, सामाजिक समन्वय वो बनता है, और ऐसा समन्वय समाज के लिए जागृति लेकर के आता है और समाज तरक्की। सरपंच साहब, मंत्री जी ने आप इनवाइट नहीं कर देगी इसे मौका पाएगा, मैं खुद आकर राजी को नहीं, कम तक मैं भी दो सवाल उन तक पूछ सका कि चक्कर के चल रहे हैं भाई साहब। ये तो जैसे इन्होंने कल ही मैसेज दिया था मेरे को, तो मैं कल बाहर था तो उस टाइम आ गया था, इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं भाई, इन्वाइट किया या नहीं। ठीक है, चलो मैं CID के साथियों तक कहूँगा कि इस वीडियो ने मंत्री तक जरूर पहुँचवावे, बाकी देख ले हम, ऐसी बात नहीं है, देख दी रहे हैं और फीडबैक भी आंदा रहा किसी न किसी का। मंत्री तो इलेक्शन है क्या, गली गली में घर घर लग पहुंचेंगे कुछ दिन में, लेकिन उनकी किसी का कोई मतलब नहीं, ना कोई काम है। मंत्री महल तो अपनी खेती कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी लग रही है, इब देख लो कोई आया मंत्री भी MLA किसी की फुर्सत को नहीं, मैं अपनी खेती करा, अपनी राजनीति करा, उनकी अपनी कम से कम राजनीति वाले तो बेटा बाबू ने, मेरे वैसे बाबू बेटा ने, उनका तो ये धंधा काम है। तो भाई हम तो यही कहेंगे गांव राम ते मंत्री जी ते भी यही रिक्वेस्ट करांगे, ताकि इन फ्यूचर भी इनका मन में प्राउड फील हो कि हमने किसी को बना कर आगे भेजा था, और हमारा खातर भी कि मैं करया है, क्योंकि जनता के बनाए हुए हो आप, लेकिन जनता का आपने के कुछ करया है, एक बार थोड़ा सा आप जरूर उसका ऊपर करियो, छोटे छोटे काम नहीं है ये, आपके लिए तो एक कलम है, उस एक कलम का दम पर आप के नहीं कर सकते, बहुत की मैं कर सको, आप तो उम्मीद करी जा सके हैं। इन बड़का हाथर भी आप जरूर देखो, आज एक या छोरी निकल कर सामने आई है, आगे आने वाला टाइम पूरी पूरी टीम न्यू कह सका कि भाई किठाना गांव की है या रेड़ा गांव की है, गोल्ड लेक आए हैं, तो अच्छा लगा हमने भी, बालक तैयार होने लग रहे हैं, भविष्य इनका बन सके।
तो इनका खातर जरूर प्रयास करा जाए। बाकी थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाए, फिर कहेंगे काम धंधे बंद हो गए हैं। बाकी पहला भी किमें नहीं किसी की छैन पटकी आड़ा, तो सारे के सारे न्यूए हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।